तरह का टाइम चल रहा है भाई, माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में सभी भाई जय माता दी जरूर लिखना। भाई हाजिर हो चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग और न्यू कंटेंट के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं पता है तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूँ कि हमारा जो रूट रहने वाला है, एंट्री करते भाई ट्रेन में, इस ग्रीन बटन टू ओपन, तो अगर मैं प्रेस करूँगा ना तो भाई ये ओपन हो जाएगा। और अंदर का मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, एयर के बैक साइड में आपको दिखाऊँ ये भाई, यहाँ पे आपको है ना ओपन करने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपको लैपटॉप वगैरह कुछ भी रखना है ना सभी के लिए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ भाई, ये अपना जो है ना बिस्किट वगैरह इसमें। अम्बाला कैंट जंक्शन हम पहुँचने वाले हैं फिलहाल, अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन, देखो अम्बाला छावनी जंक्शन। तो मैं ज़रा इसका टेस्ट भी बताता हूँ कैसे हैं। फीलिंग भी अच्छी है, मतलब बढ़िया है भाई, ये है ना अच्छे से फीलिंग कर रखी है भाई, बढ़िया है। सभी दोस्तों को भाई जय श्री राम, राधे राधे, साथ ही भाई जय माता दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं भाई कि हमारे नवरात्रे का टाइम चल रहा है भाई, माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में सभी भाई जय माता दी जरूर लिखना। भाई हाजिर हो चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग और न्यू कंटेंट के साथ। आज गाइस मैं अभी खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ सीधा, आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं भाई। अभी मैं खड़ा हूँ भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आज मैं आपको बता दूं भाई, आज जो हमारा सफर होने वाला है वो होने वाला है भाई अपना न्यू दिल्ली से लेके अपना ऊना हिमाचल प्रदेश तक। हमारी ट्रेन है गाइस, वो है हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जी दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम मैं भाई सफ़र करने वाला हूँ अपना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में। तो जैसा भी सफ़र होगा सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ कि भाई जो हमारे आने वाले कमिंग डेज में भाई जो प्लान बना रहे हैं। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं पता है तो आपको वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो रूट रहने वाला है वो क्या रहेगा, मतलब जो स्टेशन पड़ेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है आप सभी के लिए। तो अभी का मैं टाइम बताऊँगा, अभी हमारा हो रहा है 5:30 टाइम हो रहा है, तो हमारी जो ट्रेन है वो 5:50 की है। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। सीधा पहले चलते भाई प्लेटफॉर्म पर। चैनल पर नहीं जुड़े भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, कमेंट में भाई जय माता दी जरूर लिखना। तो चलिए चलते हैं व्लॉग को करते शुरू। ये अपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो बाकी मैं आपको गाइस ये बता दूं, हमारी ये जो ट्रेन है गाइस वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे। और अगर मैं बात करूं अपना जो भाई टिकट वगैरह है, क्या डिस्टेंस रहने वाला अपना सफ़र, वो मैं आपको ट्रेन के अंदर बताऊंगा। बाकी ये बता दूं अपना भाई जो ट्रेन का नंबर है वो 2244-7। तो आपको मैं अंदर से ट्रेन भी दिखाने वाला हूँ, तो फिलहाल चलते हैं अंदर और आपको भाई सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो आप भाई वीडियो में बने रहना, बाकी कमेंट में भाई जय माता दी जरूर लिखना। गाइस एंट्री करते हैं भाई ट्रेन में, इस ग्रीन बटन टू ओपन, तो अगर मैं प्रेस करूँगा ना तो भाई ये ओपन हो जाएगा। और अंदर का मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ गाइस, सामान रखने के लिए लगेज वगैरह मिल जाएगा। और आपको मैं ऊपर भी दिखा दूँ, सभी ने अपना सामान वगैरह रख रखा है। और ये देखो सेटिंग की बात करूँ तो भाई अपना नीट एंड क्लीन ट्रेन है। सीट है वो है 63 और 64 ये वाली, तो भाई भी साथ में जा रहा है और दो भाई और हैं हमारे साथ, वो हमारे सीट 12 में है। तो ये अपना सीट 2 है, तो मैं अभी मेरा बैग यहाँ पर रखा है, मैं विंडो सीट पे बैठा हूँ। चेयर के बैक साइड में आपको दिखाऊं ये भाई, यहाँ पे आपको है ना ओपन करने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपको लैपटॉप वगैरह कुछ भी रखना है ना तो भाई ये आपको आराम से आप इजीली इसको ओपन करके काम वगैरह कर सकते हैं अपना। और बाकी इस पे भाई आपको बोतल वगैरह कुछ भी रखना है सामान, ये भी आपके लिए फैसिलिटी है। और गाइस डस्टबिन वगैरह भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप इसमें ना अपना कुछ भी खाते पीते भाई कूड़ा कचरा ना फैलाएं अपना इसमें डाल सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है, बेस्ट है। तो हमारी जो ट्रेन है भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुकी है। और टाइम की बात करूँ तो भाई 5:50 हो रहे हैं, मतलब 10 मिनट पहले ही आ चुकी थी हमारी ट्रेन। तो भाई यहाँ से अब निकल चुके हैं न्यू दिल्ली से ना अपना हिमाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस है गाइस, हमारा टोटल जो ओवरऑल जर्नी होने वाली है वो 385 किलोमीटर की होने वाली है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ गाइस, ये हमारी यहाँ से डिपार्चर है 5:50 पे और 10:14 पे हमारा
वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। तो बाकी देखते कितने टाइम में हम पहुँचते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा। तो समथिंग हमारे लगा लो आपको 4.5 से 5 घंटे का हमारा सफ़र होने वाला है। और जो रेलवे स्टेशन हमारे पड़ने वाले गाइस हमारा पड़ने वाले हैं, पहले न्यू दिल्ली से हमारा हम पहुँचेंगे भाई अम्बाला कैंट जंक्शन, देन उसके बाद चंडीगढ़ जंक्शन, हमारा आनंदपुर साहिब हमारा जो लास्ट है वह हमारा ऊना हिमाचल प्रदेश। तो 4 से 5 स्टेशन हमारे रहने वाले हैं। और बाकी एक्सप्रेस ट्रेन हमारी भाई वंदे भारत, तो भाई ये भाई इंडिया के ना मैं बता दूँ 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें हम अभी सफ़र कर रहे हैं। और साथ ही इसका इनॉग्रेशन हुआ था भाई 30 अक्टूबर 2022 को। तो बेस्ट ट्रेन है गाइस, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा आपको मैं सारी चीज़ें भाई एक्सप्लोर भी करूँगा, एक्सपीरियंस जो करूँगा भाई साथ ही आपको बताता भी चलूँगा। आप लोग भी अगर कमिंग डेज में प्लान कर रहे हैं तो आप भी सफ़र कर सकते हैं इस ट्रेन में। और इसमें भाई फूड फैसिलिटीज़ भी है ओवरऑल है ना, मतलब आपको ये बता दूँ यहाँ पे वाईफाई वगैरह सब कुछ है, चार्जिंग सॉकेट, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैंने आपको डिस्टेंस भी बता दिया, क्या टाइमिंग रहने वाली है और क्या हमारा सफ़र होने वाला है, स्टेशन कौन से पढ़ने वाले हैं। मैंने न्यूज़पेपर वगैरह भी मिल जाएगा जैसे आपको अगर पढ़ना है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह कैसे हैं देख सकते गाइस, आपको है ना सामने भाई मिरर मिल जाएगा। और ये अगर आपको जैसे हैंड वॉश वगैरह करना है इसके लिए आपको सामने दिख रहा होगा। और ये भी भाई अगर पुश करके ना आपको इससे जो लिक्विड होता है, तो यार वॉशरूम भी सही है ओवरऑल मैं बताऊँ आपको, तो फ्लश करने के लिए भाई ये भी है। आपको जो आपको ब्रेकफास्ट वगैरह खाने पीने का जो मिलता है तो आपको सामने दिख रहा होगा, ये भी है ठीक है। ये भाई अभी है ना सभी के लिए यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ भाई। ये अपना जो है ना बिस्किट वगैरह इसमें अभी मतलब हर कोच में ना ये पहुँचाएँगे, इनकी सर्विस भी है ठीक है, भैया का काम है। हेलो भैया कैसे हो? अच्छा भैया आपका नाम क्या है? अच्छा रोहित सिंह। तो भैया जैसे ट्रेन में आप हमारे सभी जो देखने वाले दर्शक हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को आप ये बताओ कि मतलब इसमें क्या क्या प्लेट में जाता है, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। अभी मॉर्निंग टी है ये। हाँ जी अभी टी है, बिस्कुट है। हाँ जी हाँ जी। इसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू भैया। तो भाई अभी भैया बता रहे हैं जैसे ये तो अभी ब्रेकफास्ट का है, जैसे आप टी टाइम जिसको हम कह सकते हैं, तो इसमें आपको मैं भाई अभी अपने सीट पे आएगा ना तब दिखाऊंगा। तो ये हमारा यहाँ का भाई कुछ खाने पीने की सर्विसेज है। तो हमारी टिकट है ना गाइस, जैसे हम 4 लोग जा रहे हैं, तो भाई मैं पर पर्सन की बात करूँ तो भाई 1060 रुपये की टिकट है, 1060 पर पर्सन की टिकट है, जो हमारी न्यू दिल्ली से ऊना हिमाचल प्रदेश जाने वाली है। ऑनलाइन के लिए आप IRCTC की साइट से आप कर सकते हैं अपनी टिकट्स वगैरह बुक। साथ ही मैं ये बता दूँ आपको अगर ऑफलाइन लेनी है तो भाई आप प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं ठीक है, लेकिन यार प्लेटफॉर्म पे लेना मीन्स कि यार मतलब थोड़ा दिक्कत आपको होगी कि लाइन वगैरह अगर लंबी मिलेगी तो दिक्कत होगी, क्योंकि अभी जो है भाई काफ़ी सीजन भी चल रहा है, यात्रा का टाइम चल रहा है, तो आपको ना भाई भीड़ तो मिलेगी प्लेटफॉर्म पे, आपको थोड़ा देख के आइडिया लग ही गया होगा। तो इसलिए हमने भाई अपना पहले से सारी चीज़ें बुक कर ली। सामने आपको दिख रहा है ये CCTV कैमराज भी लगे हुए हैं अंदर। हेलो भैया कैसे हो आप? आपका गुड नेम क्या है? अरुण सिंह। अच्छा अरुण सिंह। तो भैया भाई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे मेरी वीडियो के माध्यम से, तो आपको मैं जैसे सारी चीज़ें ओवरऑल बताई दिए, बाकी भाई भैया आपको और थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो भैया आप बताओ हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारे जो भी साथी हैं, तो आप अपना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे भारत एक्सप्रेस में कहना ये चाहेंगे कि यहाँ पर डे करीब 1100-1200 यानी टोटलिंग 2200 लोग सफर कर रहे हैं। अभी तक उनको जितने लोग मैंने फीडबैक लिया है, कैटरिंग मैनेजर घुमाए थे। हाँ जी। और भाई भैया कैटरिंग मैनेजर भी है, लो आपको ये भी बता दूं मैं, आप भैया ने बताया भी, तो यही बोलते हैं कि बहुत अच्छी थे, कंफर्टेबल है सफर करने के लिए। दूसरी चीज इसमें फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ खाने से लेके, अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो हाँ नहीं भैया सही बात है, मैंने वैसे आपने जैसे जो भैया ने बताई ना भाई सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है भी, जैसे कि अभी हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज है भाई, चेयर भी है ना रोटेशनल है, मीन्स कि आप है ना कंफर्टेबली आप अप एंड डाउन कर सकते हो ट्रेन, मतलब जो अपनी चेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी AC वगैरह भी है, CCTV कैमराज है, खाने की फैसिलिटीज़ है अच्छी, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, मतलब ओवरऑल ना बेस्ट है। और इसकी गाइस मैं अगर स्पीड की बात करूँ ना 183 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ये ट्रेन अपनी मैक्सिमम चलती है, लेकिन भाई इतनी रफ्तार से चलाएंगे क्योंकि भाई देखो ओवरटेक भी करना होता है, प्लेटफॉर्म भी कई बार है ना ऊपर नीचे, मतलब अपने हिसाब से चलाते हैं तो बाकी रूट के हिसाब से, रूट के हिसाब से तो 135-140 तो यार ऑलमोस्ट पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच भैया, जय माता दी, जय माता दी। तो
फिलहाल भाई मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ। ये ना मेरा भाई। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? एसी में बैठ। अच्छा, एसी में बैठ। तो फर्स्ट टाइम जैसे हम दोनों ही आए हैं भाई, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में, तो तेरा क्या एक्सपीरियंस है? मैंने तो देखो गाइस आपको सारी चीज़ें मैं बताने ही वाला हूँ और ऑलमोस्ट मैंने बताई थी आपको सारी चीज़ें, तो तेरा क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा, यार आपके लिए ना सरप्राइज है, सस्पेंस है। तो गाइस बस वीडियो में भाई बने रहना, फुल सपोर्ट दिखाना, और आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रेन है। और अभी हमारा जो है ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पानी की बोतल भी मिल जाएगी, रेल नीर, और ये अपना एक जो है IRCTC का भाई कब मिल जाता है आपको, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का, ये देख सकते हैं आप, इतना काफ़ी सुंदर है, बढ़िया है। और ये मैंने आपको जैसा अभी दिखाया था, बिस्किट मिल जाएगा यूनिबिक का, ओट्स डाइजेस्टिव, और साथ ही आपको ये भाई मिल जाएगा इलायची चाय, इंस्टेंट टी प्रीमिक्स, ये मतलब है ना इसमें डाल के आप अपनी चाय एंजॉय कर सकते हैं, तुलसी और उसके लिए इलायची वगैरह की चाय। तो अभी भाई अभी हम थोड़ी देर में पियेंगे, तो ये कुछ हमारा ब्रेकफास्ट आया है सुबह। ये देख लो भाई, ये आपको एक पाउडर के फॉर्म में जो है इलायची का और अदरक वगैरह सबका मिक्सचर मिल जाएगा आपको चाय बनाने के लिए। बाकी अभी ये चाय बना रहा हूँ, तो इससे ही पूछेंगे टेस्ट कैसा है। टिकट चेकिंग के लिए यहाँ पे भी आए हैं, आप सामने देख सकते हैं। तो चाय कैसी है? बढ़िया है। और बिस्किट? अच्छा, बढ़िया। चलो भाई, तो भाई ने आपको बता ही दिया है ऑलमोस्ट चाय और बिस्किट कैसा है। देखो आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसे ऑन हो गए ना दोनों पोर्ट, आपको दिख रहे होंगे तो बिल्कुल सीट के नीचे है। मेरे को भाई पहले लग रहा था कि जैसे जैसे बाकी ट्रेन्स में ऊपर की साइड होते हैं ना अपना जो चार्जिंग के लिए पोर्ट वगैरह, तो वो होंगे, लेकिन अपनी सीट के नीचे भी है। सर्विस करने आए यहाँ पे, ये देख लीजिए भाई हमारी प्लेट आ गई है। पहले मैंने आपको ब्रेकफास्ट दिखाया था, ये कुछ इस तरह की भाई यहाँ पे प्लेटर मिला है हमें, ये मैं आपको दिखाया था भाई। इसमें ये भाई क्या है अपना, ये भाई मैंगो ड्रिंक, मतलब आम का जो होता है ना ड्रिंक वगैरह, और इसमें आपको क्या है मसाला चाय, ये देखो भाई अमेजन लिखा है इसमें मसाला टी, और कुछ ये भाई कैचअप है टमाटो कैचअप। इसमें अपना जो है आपको भाई खाने के लिए ये मिलेंगे कटलेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, आप कटलेट्स खा सकते हैं भाई केचप के साथ। और इसके अंदर भाई अपना ये है अपना सबसे बढ़िया नाश्ता है भाई, देखो अपना पोहा, इसमें भाई अपना मूंगफली वगैरह भी है, आपको मैंने दिखाया भाई, में अपना ये हो गया कटलेट्स हो गए, पोहा हो गया, और साथ ही आपको इसमें जो है देखते हैं क्या है इसमें भाई अपना ये है ढोकला, जिसको भाई ढोकला पसंद है वो ढोकला भी खा सकता है। तो अपना कैचअप मैंगो ड्रिंक हो गया, और इसमें कटलेट्स, और इसमें हो गया भाई पोहा, और ये अपना ढोकला। तो अपनी पूरी वेज प्लेटर है, सारी चीज़ें दिखा दी भाई अपना जो प्लेटर है, मेरे में भी और ऑलमोस्ट इसके में भी सेम है, क्योंकि हमने यार गाइस जो जब टिकट गई थी ना, आपको अगर वेज प्लेटर लेना है या नॉन वेज प्लेटर लेना है, तो अभी थोड़ी देर में भाई अभी तो हमने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी थोड़ा भूख है नहीं, आपको मैं थोड़ी देर में टेस्ट रिव्यू भी दूँगा आप लोगों को, लिखा हुआ शुभ यात्रा हैप्पी जर्नी, और आप खुद बताओ गाइस इसके अंदर क्या होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई सरप्राइज, ये देखो भाई इसके अंदर खाने की स्पून भाई इसके अंदर है, बोल रहा है देखो भाई, बढ़िया टेस्ट है यार, जैसा आप घर पे खाते हो ना तो घर जैसा ही टेस्ट है, बढ़िया पूरा। अब आपको मैं ढोकला भी बताता हूँ भाई, गर्म पानी भी मिल जाएगा, मतलब आपको जैसे पानी पीना है तो गर्म पानी की भी फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं। ये देखो अगर आपको पीना है या चाय बनानी है, मतलब जो आपका दिल करे भाई, या जो प्लेट लेके आए थे ना भाई, ये देख सकते हैं आप भाई, आपकी प्लेट देने भी आते हैं भाई लेने भी आते हैं, तो मतलब आपको कहीं सीट से जाने की जरूरत नहीं है, आपकी प्लेट देने भी आएंगे और वापस लेके भी जाते हैं, ये देख सकते हैं भाई।
अम्बाला कैंट जंक्शन हम पहुंचने वाले हैं फिलहाल अभी। अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन देखो, अम्बाला छावनी जंक्शन। अब यहाँ पे भाई सवारियाँ उतरेंगी जिनको अम्बाला कैंट जंक्शन उतरना है। कटलेट्स ट्राई करते हैं भाई, ये अपना इस पर डालते हैं भाई केचप। अब आपको मैं ज़रा इसका टेस्ट भी बताता हूँ कैसे हैं। फीलिंग भी अच्छी है, मतलब बढ़िया है भाई, ये ना अच्छे से फीलिंग कर रखी है भाई, बढ़िया है। मतलब जैसे घर घर पे बनाते ना टाइप सी है, सिंपलिसिटी है, सिंपल खाना, बढ़िया खाना, ज़्यादा मसाले वगैरह भी कुछ नहीं है, मतलब ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑलमोस्ट खाना जो है ना भाई को भी अच्छा लगा, मुझे भी ऑलमोस्ट बढ़िया है। और चाय की मैं बात करूँ, चाय तो भाई इतनी जेन्युइन है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और हमारी अम्बाला कैंट जंक्शन से भाई ट्रेन रवाना हो चुकी है 8:06 पे। अच्छी देर में अब हम चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। आपको मैं दिखाता हूं भाई, जो सवारियां उतरने वाली है देखो, सब पैक कर अपने सामान, जिनको भाई यहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो रहेगा आपको। इस चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन आ चुकी है अपनी ट्रेन, और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ 8:41 हो रहा है, 8:41। ये देखो भाई कितने सारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं ट्रेन का, काफ़ी लोगों को भाई यहाँ पे उतरना है, काफ़ी लोग यहाँ से चढ़ेंगे। बाहर चलते हैं भाई, ये देखो भाई इसको प्रेस करना पड़ता है तो ओपन होगा। आपको मैं बाहर से एक बार व्यू दिखाता हूँ। चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन भाई कम से कम 8 मिनट रुकेगी, तो आपको मैं फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ भाई। जब भाई हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन थे तो भाई मेरे को टाइम नहीं मिला सामने से दिखाने का, तो ये अपनी ट्रेन है भाई, कुछ इस तरह की दिखती है फ्रंट साइड से। जिन्होंने हमें यार ब्रेकफास्ट के बाद है ना लंच वगैरह प्रोवाइड किया था ना, तो ये भैया है। हेलो भैया, कैसे हो, आपका नाम? अच्छा, भूरे सिंह। तो भाई भैया की काफ़ी अच्छी सर्विसेज है, मतलब ट्रेन में ना जैसे हर सीट पे यार देखो खाना प्रोवाइड करना, यार देखो बड़ी मेहनत का काम है, साथ ही प्लेट है ना, प्लेट लेने भी आते हैं, प्लेट देने तो आते हैं लेने भी आते हैं। तो भैया आप कुछ कहना चाहोगे हमारे सभी दोस्तों को? नहीं भैया, आपकी जो सर्विस थी मैंने जैसे अपने, अरे नहीं ओके रिपोर्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चाय में भी काफ़ी मजा आया, और जो कटलेट्स थे, पोहा वगैरह जो भी हमने ट्राई करा ना, मतलब ऑलमोस्ट सारा खाने का काफ़ी अच्छा था। भैया का भाई बहुत अच्छा काम है, तो थैंक यू सो मच भैया। ये ना चंडीगढ़ जंक्शन पे जब रुकी थी ना ट्रेन, तो ऑलमोस्ट ना काफ़ी मतलब पैसेंजर्स उतर चुके हैं, खाली हो चुके हैं, क्योंकि अपना जो नेक्स्ट है ना वो है आनंदपुर साहिब, जो अगला स्टेशन आने वाला है, और उसके बाद देन हमारा है ऊना हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है ना। थ्री सीटर तो मिलेंगी यहाँ पे, इस साइड में 3 सीटर है और यहाँ पे आपका 2 सीटर है जिसपे हम बैठे हैं, ठीक है। और आपको मैं आगे ये भी दिखा देता हूँ गाइस, आपको जैसे ना अगर भाई लंच वगैरह करना है ना, आपको प्रॉपर टेबल वगैरह मिल जाएगी, वर्क वगैरह करना है, ऑफिस का काम वगैरह, या फिर आपको खाना वगैरह खाना है, तो आप फैमिली लंच भी एंजॉय कर सकते हो, तो आपको पूरी टेबल की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे, और यहाँ पे 2 साइड वाले पे भी आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखो वहाँ बैठा है 3 सीटर वाले भी, हाँ भाई मज़ा आ रहे हैं। तो अब भाई मैं भी अपना आराम से यहाँ पे बैठा हूँ, अपना गाने वाने सुना थोड़ी देर, और अपना भाई काफ़ी देर बाद खाना तो खा लिया, अब थोड़ा अपना यार मैंगो कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करते हैं, पीते हैं। सब कुछ फर्स्ट क्लास है यार, बढ़िया सर्विस है यार, फर्स्ट टाइम आए, अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी पूना हिमाचल पर
प्रदेश पहुँच के वो आगे की चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी मैं ये नहीं बताऊँगा वहाँ से हमारा आगे का क्या प्लान है। लेकिन आपके लिए भाई बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले, अच्छे अच्छे वीडियोज़, और भाई आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा तुम्हारा भाई, तो भाई वीडियो को भाई सपोर्ट जरूर करा करो यार। हमारे साथ अभी एक हमारे नन्हे से छोटे से प्यारे से ग्रुप से, क्या नाम है आपका? क्या? आर्यन। कौन सी क्लास में हो? अच्छा, तो भाई अभी हमारे साथ अभी एक छोटे से प्यारे से ग्रुप से बच्चा बैठा है जिसका नाम आर्यन है और कह रहे हैं कि 7th क्लास में। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है ट्रेन पे? अच्छा लग रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम आए हो या उससे पहले भी आए हो? नहीं, मेरे पापा आ चुके हैं, मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो आप कहाँ जाने वाले हो? हिमाचल। हिमाचल? अच्छा, ऊना हिमाचल जा रहे हो। हाँ, तो गाइस ये भी ऊना हिमाचल ही जा रहे हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो भाई और कुछ कहना चाहोगे? अभी छुट्टी पड़ चुकी तुम्हारी? अच्छा, 15 को स्कूल है, तो मतलब वीकेंड पे घूमने आए हो। अच्छा, काफ़ी बढ़िया। तो भाई देखो बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, इनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा है यार। देखो जब हमें अच्छी लग रही ट्रेन, तो यार बच्चों को तो काफ़ी अच्छी लगी। जयकारा लगा दो सभी। जय माता दी। जय। टाइम जो हो रहा है मैं आपको बता दूं भाई, 9:55 हो रहे हैं और अभी अनाउंसमेंट हो रही है, अनंतपुर साहिब जो है रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये देखो भाई बाहर का जो ग्रीनरी है, नज़ारा है काफ़ी सुंदर और प्यारा। ये देखिए, ट्रेन की पूरी तरह से उतरने के बाद सावधानी से उतरें। हमारी जो ट्रेन है ना भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस, अभी आनंदपुर साहिब जो है ना भाई, मुश्किल से 1 मिनट रुकी थी, ज़्यादा देर रुकी भी नहीं, और मेरे को पता भी नहीं लगा कि भाई मतलब रुकी भी है ट्रेन। मतलब स्लोली स्लोली स्पीड में चलाते चलाते थोड़ी देर रुकी और फिर वहाँ से चल पड़ी। और अभी टाइम की बात करूँ तो भाई टाइम हो रहा है 10:07। तो अब जो नेक्स्ट स्टेशन है भाई, अपनी जो डेस्टिनेशन है ना जहाँ हम जा रहे हैं गाइस, वो अपना ऊना हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ पे सीधा पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ का जो नज़ारा है, और हमारा ऊना हिमाचल प्रदेश का रेलवे स्टेशन कैसा है आपको वो भी दिखाता हूँ। तो हमारी ट्रेन भाई पहुँच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन पे। सामने आप पढ़ सकते हैं भाई, ये हमारा ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन है। और टाइम की बात करूँ तो भाई 10:35 हो रहे हैं। ये देखो भाई, तो फिलहाल भाई हम पहुंच चुके हैं, ये देख लीजिए ऊना हिमाचल प्रदेश जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बस अब यहाँ से भाई ट्रेन जो है रवाना हो चुकी है आगे के लिए, जहाँ पे ट्रेन जानी है अपनी। तो भाई काफ़ी अच्छी सर्विसेज लगी हर चीज़ के मामले में, मतलब खाना पीना से लेके भाई सिटिंग के मामले में नीट एंड क्लीन है। तो ये यहाँ का भाई रेलवे स्टेशन है। अभी हमारे दो साथी जो पीछे हैं भाई C12 में है, वो अभी आ रहे हैं पीछे से, क्योंकि हमारी गाय C2 कोच था हमारा और उनका है C12, तो अभी वो आगे आ रहे हैं। तो हम फिर मिलते हैं साथ में और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे गाइस। जहाँ पे भी हम जाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं इस व्लॉग में, अच्छी से अच्छी जानकारी भाई, जो सभी के लिए एक अच्छा बजट रहे घूमने फिरने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्लॉग है। हमारे साथी दो हमारे भाई साथ में आए, आओ भाई केसु भाई। ये C12 में थे, हम C2 में थे, ये हमारा भाई है सेठ जी। ये देखो भाई मुझे छुपा रहा है भाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का दोनों का? हाँ बहुत बढ़िया, मतलब खाने पीने से लेके सीटिंग ओवरऑल कैसा लगा? बस सीट थोड़ी सी अनकंफर्ट थी। अच्छा अच्छा, खाना वाना तो मतलब अनकंफर्टेबल किस मामले में? मतलब पीछे नहीं हो पा रही थी? अच्छा अच्छा अच्छा, भाई यार थोड़ा कमर में ना बैक पेन सा हो गया, तो थोड़ा थोड़ा भाई देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, और भाई देना भी चाहिए पता लगे सभी को। तो चलो भाई हमारे भाई भी मिल चुके, अब निकलते आगे की ओर। यहाँ से भाई यहाँ का एग्जिट है अपना,